आप लोगों के बिंदु में जानूंगी। बलराम हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं पटना से सीधा लाइव। बलराम, एक बार ताजा अपडेट्स बता दीजिएगा। मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, हमने दिखाई थी वो तस्वीरें भी, अभी क्या हलचल है वहां पर, जरा एक बार ताजा अपडेट दीजिएगा। आपको लग रहा है कि ये सब कलेक्टिव फैमिली शब्द मैं सुन रही थी ममता बनर्जी की जुबान से, लेकिन ये वे फैमिली बनती हुई नजर आ रही है आपको? फैमिली ऐसी ही होती है क्या? देखिए, जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष में भी इस बात को लेकर के चर्चा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, खासतौर से आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर अध्यादेश पर चर्चा नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष की एकता नहीं कही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर के आई है और दिल्ली में इस अध्यादेश के जरिए एक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के कामकाज को बाधित करने की कोशिश कर रही है, वो पूरी तरह से गलत है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि हम पटना में जब विपक्षी दलों की बैठक होगी तो उसमें संविधान भी लेकर जाएंगे, इस अध्यादेश की कॉपी भी लेकर के जाएंगे, और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला सुनाया था उसको भी लेकर के जाएंगे, और उसके बाद विपक्ष के सामने इस मुद्दे को रखेंगे और बताएंगे कि कैसे इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं के कामकाज को रोकने की कोशिश कर रही है, विपक्षी दलों की जहां सरकारें हैं उनके कामकाज को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। तो उन्होंने ये साफ तौर से कहा है कि ये सिर्फ एक कहा जाए प्रयोगशाला है दिल्ली, लेकिन आने वाले दिनों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर केंद्र सरकार इसी तरह का अध्यादेश ला करके वहां की सरकारों के कामकाज को रोकेगी। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि केंद्र में अगर ये अध्यादेश लाया गया है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस खड़ी है या फिर वो विपक्ष के साथ खड़ी है, ये अपना रुख कांग्रेस स्पष्ट करे, अगर वो स्पष्ट नहीं करती है तो हम इस बैठक का बहिष्कार करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पटना पहुंच चुके हैं, उन्होंने पटना पहुंच के सबसे पहले पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका, आशीर्वाद लिया, और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे, 2 राज्यसभा सांसद थे राघव चड्ढा और संजय सिंह। लेकिन कहीं ना कहीं इस बयान के आने के बाद जो पटना की सियासत है वो काफी गर्म हो चुकी है बलराम, और यही वजह है कि 2024 के चुनाव को लेकर विपक्ष की जो बैठक होनी थी उससे पहले विपक्ष में हलचल हो गई है इस बात को लेकर कि क्या यह बैठक संपन्न होगी या नहीं होगी। और यही वजह है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की एकता पर सवाल खड़े करती है कि जब चुनाव आता है ये बैठक तो करते हैं, एक होने का दिखावा भी करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो अपने अपने हक को लेकर के ये विपक्ष बिखर जाता है, और यही वजह है कि विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो पाता। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी जीनत की कल की बैठक में क्या वाकई विपक्ष एकजुट होता है, क्योंकि कल की मुझे एक बहुत शॉर्ट में एक चीज बताइएगा बलराम, बहुत शॉर्ट में, आप KCR बहुत करीब नजर आते थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, उनके बारे में खबरें हैं कि वो इस बैठक में नहीं आ रहे हैं, है वहां पर कुछ ऐसी चर्चा, बहुत शॉर्ट में बताइएगा। देखिए, उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया कि हम इस बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो आ सकते हैं। जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह, उन्होंने भी निजी कारणों का हवाला दिया और कहा कि हम बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर अखिलेश यादव इस बैठक में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी भी उनके साथ होंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी जो एकता है, ठीक है बलराम, जोड़ है वो कहीं ना कहीं साफ दिख रही है। और आप देखिए, करीब 20 दल के नेता, 20 दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे, और कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर जो विपक्ष की रणनीति होगी उस पर चर्चा होगी कि किस तरीके से NDA के आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बलराम आपका, बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण सुबह से आपने कवर किया, कल भी दिन भर आपसे हम अपडेट्स लेंगे, और जो भी हलचल हो सबसे पहले पहुंचाइएगा, और ये कितना परिवार की तरह मिल रहे हैं और कितनी बाद में लड़ाइयां करते हैं वो भी बता दीजिएगा, जनता से कुछ भी नहीं छुपाना है। बहुत शुक्रिया बलराम आपका, ध्यान रखिएगा अपना।